चेन्नई को 5 आईपीएल ट्रॉफी किसने दिलाया? एमएस धोनी ने। 2007 का टी20 वर्ल्ड कप किसने जिताया? एमएस धोनी ने। लास्ट बॉल पे सिक्स मार के इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने वाला कौन है? एमएस धोनी। 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को किसने जिताया? एमएस धोनी ने। आखिर एमएस धोनी से लोग इतना प्यार क्यों करते हैं? 30,000 लोग स्टेडियम में आ जाते हैं सिर्फ धोनी को प्रैक्टिस करते हुए देखने के लिए। धोनी एक क्रिकेटर नहीं है, धोनी एक इमोशन है। कोई उसे माही बुलाता है तो कोई उसे थाला। अपने हेलीकॉप्टर शॉट के लिए मशहूर धोनी दुनिया के सबसे तेज विकेटकीपर में से एक हैं। धोनी सिर्फ क्रिकेटर नहीं है, वो इंडियन टेरिटरियल आर्मी में कर्नल भी हैं। उन्होंने जो देश के लिए किया है उसके लिए भारत सरकार ने धोनी को खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे अमेजिंग लाइफ ऑफ एमएस धोनी। क्या आपको पता है 2011 वर्ल्ड कप में धोनी ने जिस बैट से सिक्स लगाकर इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था वो पूरे 72 लाख में बिका। इसे इत्तेफाक ही कहेंगे, धोनी अपने करियर के पहले मैच और आखिरी मैच में डक पर आउट हुए, वो भी रन आउट। धोनी की कैप्टेंसी में इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन पहली बार 2009 में आया था। धोनी आईपीएल के पहले सीजन में सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए, चेन्नई सुपर किंग ने उन्हें पूरे 9 करोड़ में खरीदा था। धोनी अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने नंबर 5 से नंबर 7 पोजीशन पर बैटिंग करते हुए पूरे 8,000 रन बनाए थे। क्या आपको पता है धोनी के जर्सी के पीछे हमेशा नंबर 7 क्यों होता है? क्योंकि 7 जुलाई माही का बर्थडे है। 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद डायरेक्टर नीरज पांडे ने धोनी की लाइफ पर एक बायोपिक बनाई। इसके लिए धोनी ने पूरे 45 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। करियर की शुरुआत में धोनी काफी लंबे बाल रखते थे क्योंकि वो जॉन अब्राहम के फैन है। क्रिकेट के अलावा धोनी को फुटबॉल, WWE और बैडमिंटन भी बहुत पसंद है। लेकिन धोनी के करियर में सब कुछ इतना आसान नहीं था। एक फेज था उनके करियर में जब लोग धोनी से हेट करने लगे थे। अपने करियर के शुरुआत में धोनी को काफी स्ट्रगल और फेलियर का सामना करना पड़ा था। 2004 में इंटरनेशनल डेब्यूट करने के बाद वो कोई खास नहीं कर पाए थे। जब 2007 में इंडिया ICC वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था तब फैंस ने इंडियन क्रिकेटर्स के घरों पे पथराव किया था जिसमें धोनी का घर भी शामिल था। टेस्ट कैप्टेंसी में धोनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में टेस्ट हारने के बाद उन पर कई सवाल उठने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ा धक्का धोनी को 2013 में लगा था जब सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई सुपर किंग पर 2 साल का बैन लगा दिया था। चेन्नई टीम के गुरुनाथ मैयप्पन को मुंबई पुलिस ने बेटिंग, चीटिंग और कॉन्स्पिरेसी के चार्ज में अरेस्ट कर लिया था। तब धोनी और टीम मैनेजमेंट पर उंगली उठने लगे थे। फाइनली चेन्नई सुपर किंग को आईपीएल से 2 साल का बैन झेलना पड़ा था। हमें यह समझना होगा कि सक्सेस और फेलियर लाइफ का हिस्सा है। धोनी ने चुनौतियों से कभी हार नहीं मानी और मुड़कर कभी पीछे नहीं देखा। आज धोनी ने क्रिकेट करियर से ना सिर्फ शोहरत कमाया बल्कि दौलत भी कमाया। आज धोनी दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटरों में से एक हैं। उनकी नेटवर्थ पूरी 1,000 करोड़ रुपए है। सिर्फ 16 आईपीएल सीजन में धोनी ने 178 करोड़ रुपए कमाए हैं। आज धोनी के पास रांची में 10 करोड़ रुपए का फार्म हाउस है। 12 कार्स की कलेक्शन है जिसमें 1.5 करोड़ की फरारी, 82 लाख की ऑडी Q7, 75 लाख की SUV हमर, 49 लाख की लैंड रोवर और 2 करोड़ की पोर्श 911 जैसी महंगी गाड़ी शामिल है। धोनी को बाइक्स का भी बहुत शौक है। उनके पास 70 बाइक की कलेक्शन है। आज धोनी 30 ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है। इसके साथ धोनी के कई बिजनेस और इन्वेस्टमेंट भी है जैसे फैशन ब्रांड 7, स्पोर्ट्स फिट जिम जिसकी 200 ब्रांच पूरे देश में है। धोनी चेन्नई FC फुटबॉल टीम के भी को ओनर है। उनकी एक हॉकी टीम रांची रेस भी है। एक खिलाड़ी, एक कैप्टन और एक अच्छा इंसान जिसे पूरा देश प्यार करता है। धोनी ने यह साबित कर दिया कि कामयाबी का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है। लाइफ में जो भी हम चाहते हैं हो सकता है वो हमें ना मिले, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए। धोनी ने हमेशा सक्सेस और फेलियर को एक तरह से देखा है और मेहनत से बाउंस बैक करके सबको दिखाया है।